start with the chapter motion. Actually, we are not going to start with the chapter. We are discussing about the basic thing which comes in the chapter और जो आपको डिफिकल्ट लगती है, ठीक है? ग्राफ किस किस को डिफिकल्ट लगते हैं? ग्राफ्स में किस किस को प्रॉब्लम आती है? यस, एनीवन? नो वन इन द क्लास? सबको आते हैं ग्राफ्स? ओके, सो मेनी स्टूडेंट्स. ओके जी. अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या आपको पता है हम जो फिजिक्स में ग्राफ ड्रॉ करते हैं उनका एक बहुत बड़ा रिलेशन है विद मैथमेटिक्स. जो मैथ्स में आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना बेटा, उन्हीं का बेस है फिजिक्स के अंदर ग्राफ ड्रॉ करने का. अगर आपको मैथमेटिक्स पार्ट अच्छे से आता है कि हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं, एंगल आप सबने पढ़ रखा है, अगर एंगल आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी चीजें. आपके पास नॉर्मली एक फिजिक्स में क्वेश्चन आता है कि एक ग्राफ के ऊपर आपको दो लाइंस बनाकर दे दी जाती हैं, ओरिजिन से पास होती हुई, है ना? मैं एक थोड़ा सा रफली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको, जैसे कि आपको ये दो लाइंस दे दी गई इस तरीके से, है ना? आपको ए और बी दे दिया गया और आपसे पूछेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जिनको नहीं पता, वो क्या करेंगे? मे बी गलत मार्क कर रहे, ए फास्ट है, बी फास्ट है. तो वी विल फाइंड द सिंपल वे बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ. आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है? मोर एग्जाम्पल्स, लाइक एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, विच वन इज मूविंग फास्ट? ठीक है, तो इन चीजों को करने के लिए पहले आपको क्या आना चाहिए? मैथ्स का बेस आना चाहिए कि ये लाइंस बनती कैसे हैं, है ना? तो उससे हम धीरे 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 फिर अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे. राइट बेटा? ओके जी, थैंक यू. चलिए, सो व्हाट इज अ ग्राफ? ग्राफ होता क्या है बेटा? व्हाट इज अ ग्राफ? ये बच्चा नोट डाउन कर लीजिए सभी, सबके पास रजिस्टर पेन है इस टाइम. राइट द डेफिनेशन बेटा. इट इज अ डायग्राम इन विच अ लाइन और कर्व, ठीक है? इट इज अ डायग्राम इन विच अ लाइन और कर्व शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स. ये लिख लो फिर आगे समझाती हूँ. हाँ, ये रब हो गया था ना. डन बेटा, जस्ट राइट टिल हेयर बेटा, यहीं तक लिखना. अभी थोड़ी राइटिंग का इश्यू रहेगा बेटा, थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, बट आई विल ट्राई टू राइट गुड, ठीक है? अब इसके बाद डन. यस मैम. अब ये क्या कह रहा है? इट इज अ डायग्राम इन विच ए लाइन और कर्व. देखो, नॉर्मली बेटा ग्राफ्स में हम क्या बनाते हैं, तो लाइंस बनाते हैं इस तरीके से, है ना? किसी भी तरीके से हमारी लाइन होती है, या फिर हमारे क्या बनते हैं, कोई कर्व बन जाता है किसी भी तरीके से, कोई इस तरीके से, एनी कर्व. तो अ डायग्राम इन विच ए लाइन और कर्व, और डेफिनेटली हम इसको क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस, एंड ये हमारा होता है वाई एक्सिस. इन सही. एवरी केस दिस इज बाय डिफॉल्ट टेकन एज एक्स एक्सिस एंड दिस इज टेकन एज वाई एक्सिस. राइट बेटा? तो यहां पर एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू क्वांटिटीज. वो दो क्वांटिटीज क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. ये आप लेते हो हमेशा, इतना तो भी आपको याद होगा ना, मोशन में किया है आप सबने. तो टाइम हम कहाँ लेते हैं बेटा? अलोंग एक्स एक्सिस, एंड डिस्टेंस हम लेते हैं अलोंग बाय एक्सिस. ऐसा ही कुछ लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंड टाइम इज ऑलवेज टेकन एज अलोंग एक्स एक्सिस. तो ग्राफ क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज. इस केस में वो दो क्वांटिटीज हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम है. राइट बेटा? ऐसे ही क्या हो सकता है? वेलोसिटी एंड टाइम भी हो सकता है.
ठीक है, आप मैथ्स में जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हो, एक्सपेंडिचर की कॉस्ट कि आपका सपोज करो 1990 के अंदर वीट कितना प्रोड्यूस हुआ, फिर 2000 में वीट की प्रोडक्शन कितनी थी, करते हो ना। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ईयर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर रिलेशनशिप किस में हो गया, ईयर्स एंड प्रोडक्शन में हो गया। तो ग्राफ इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप। ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, सबको समझ आ गया। ओके बेटा, एक एग्जांपल लिख लीजिए। अब ये ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है बच्चे, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, जस्ट राइट डाउन द सिंपल वन एग्जांपल। डन। ओके बेटा, सी अब हमें ये समझना है कि ये तो मैंने फिजिक्स की आपको एग्जांपल दी, हाउ मैथ्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस। आपके पास अभी हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, पढ़ा हमने रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। लेट अस से दीज टू क्वांटिटीज आर वाई एंड एक्स, वी कैन टेक, एंड दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपने 8th क्लास में डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाए, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। सबने पढ़ रखा है ये चीज, वेरी इजी चैप्टर इन द 8th क्लास, है ना। ठीक है बच्चे, देखो अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू के एक्स। के क्यों आया, क्योंकि हमने प्रोपोर्शन के साइन को हटाया। ये आपने फिजिक्स में अभी अभी में बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, अपने डेरिवेशंस में किया होगा ना ये साइन ऑब्जर्व, है ना। आपने एक फॉर्मूला किया होगा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये करते हो ना प्रोपोर्शन का साइन। तो ये वही प्रोपोर्शन का साइन है, जब इस प्रोपोर्शन को मैंने हटाया तो k आ गया। तो यहाँ पर जो k है ना बेटा, इट कैन टेक एनी वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू, एनी नेगेटिव वैल्यू एंड सो इट कैन टेक एनी वैल्यू। सो व्हेन आई पुट k इक्वल्स टू 1, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1x। लेट अस से दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। व्हेन आई पुट k इक्वल्स टू 2, तो ये बन जाएगा 2x बेटा। लेट अस से दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। इवन आप k की वैल्यू 1/2 डेसिमल्स फ्रैक्शन कुछ भी डाल सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। व्हेन आई पुट k इक्वल्स टू 1/2, देन इट विल बिकम लाइक दिस। लेट अस से दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, आपको ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इसके बाद। ठीक है बच्चे, अब चलो हम इन तीनों का ना ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस में, राइट बेटा। ठीक है चलिए, सी अगर हम y इक्वल्स टू एक्स लेकर चलते हैं बेटा, आप छोटी क्लासेस में इस तरीके से करते हो ना वैल्यूज ड्रॉ, x लिया एंड y लिया, व्हेन x इज 0 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, 0। ठीक है, व्हेन x विल बी 1 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, चलो ये हम नेक्स्ट स्क्रीन पे करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, हमारे पास क्या है इक्वेशन, सबसे पहले y इज इक्वल्स टू x, एंड इसके अंदर हमने बॉक्स बनाया, हमने एक x लिया एक y लिया, व्हेन x इज 0 y विल बी 0, व्हेन x इज 1 व्हाट विल बी y, इट विल आल्सो बी 1, व्हेन x इज 2 y विल बी 2, और कोई भी आप वैल्यू इस तरीके से ले सकते हो, राइट बेटा। अब देखिए, व्हेन x इज 0 y will be 0, तो 0 कहां पर लाई कर रहा है आपका, इस पॉइंट पे बेटा, यहां पे 0, सपोज दिस इज 1 हियर दिस इज 1, तो सेकंड पॉइंट आपका कहां पे लाई करेगा बेटा, हां जी बेटा,
वन वन के बीच में, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, टू एंड टू, ये कहाँ लाई करेगा? टू यहाँ पर, यहाँ पर, तो समवेयर हेयर। तो बेसिकली अगर आप इसको देखो तो व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट बेटा? ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स, राइट बेटा? सेकेंड इक्वेशन क्या निकली थी बेटा हमारी? y इज इक्वल्स टू 2x, यही आया था जब व्हेन आई हैव टेकन k इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू मेरी आई थी 2। अब इस केस के लिए हम बनाकर देखते हैं बेटा क्या बनेगा। x एंड y, नाउ टेक x इक्वल्स टू 0, व्हाट विल बी y? 0। व्हेन x इज 1, व्हाट विल बी y? टू वेरी गुड। व्हेन x इज 2, व्हाट विल बी y? फोर ठीक है जी। एंड थ्री, सिक्स, सिक्स ठीक है, चले यहाँ पे लें फिर से वैल्यूज। जीरो, इट विल बी जीरो। व्हेन एक्स इज वन, वाई विल बी टू, राइट बेटा? समझ आ गई ये चीज? वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री एंड फोर, यहाँ पर ये हमारा वाई एक्सिस है एंड दिस इज आर एक्स एक्स, राइट बेटा? नाउ वन एंड टू, नाउ टू एंड फोर, व्हेन एक्स इज टू वाई विल बी फोर, समवेयर हियर, ठीक है बच्चे? अब हम फिर से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बच्चे? ये कौन से ग्राफ की लाइन मिली आपको? वाई इक्वल्स टू टू एक्स। नाउ थर्ड केस इज y इज इक्वल्स टू 1/2x, यही था बच्चे सी। नाउ टेक अगेन, टेक द वैल्यू x एंड y। व्हेन x इज 0, व्हाट विल बी y? 0 0। नाउ वी विल टेक सम कंफर्टेबल वैल्यूज। नाउ व्हेन x इज 2, व्हाट विल बी y? 1। 1 व्हेन x इज 4, व्हाट विल बी y? 2 सफिशिएंट है इतनी वैल्यूज बच्चा? तो यहां पर जीरो जीरो आ गया ओरिजिन पे, ठीक है? उसके बाद व्हेन एक्स इज टू वाई विल बी वन, व्हेन एक्स इज फोर वाई विल बी कितना आ रहा है? फोर टू, समवेयर हेयर। सो अगेन वी विल ड्रॉ लाइन लाइक, ठीक है बच्चे? समझ आ रहा है सबको? तो ये हमारा किसका ग्राफ बना? वाई इज इक्वल, एक्स बाई टू लिख सकते हैं ना इसको, 1/2x और एक्स बाई टू इज द सेम मीनिंग। ये सबको समझ आया इतना? ये तो बहुत छोटे बच्चों वाला काम था, है ना? अब आते हैं हम अपने साइंस के ऊपर, ये सबको समझ आ गया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो वाई इक्वल्स टू एक्स बाई टू है, लेट अस से, है ना, है ना, तो इस तीनों में आपको कोई फर्क दिख रहा है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? हाँ जी, देखो तीनों पास आपकी ओरिजिन से हो रही हैं, तीनों पास आपकी ओरिजिन से हो रही हैं, सिर्फ यहां पर आपके कांस्टेंट वैल्यू में फर्क होने के कारण आपके पास तीन लाइंस आई और तीनों की डायरेक्शन अलग अलग थी। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है? और ये तीनों लाइंस क्या है बेटा? इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है बेटा। आपने थीटा पढ़ा हुआ है, एंगल पढ़ा हुआ है मैथ्स में, आपने एंगल पढ़े हुए हैं ना इस तरीके से कि थीटा, है ना, ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो अगर आप इस लाइन को देखो, इस वाली लाइन को, तो इट इज मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई इक्वल्स टू एक्स इज ऑल्सो मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस, ये भी कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इसी एंगल को बेटा हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे, इंक्लिनेशन। क्या टर्म हम यूज करने वाले हैं? इंक्लिनेशन, राइट बेटा? अब ये इंक्लिनेशन क्या चीज है? बेसिकली अब आपको देखो समझ आ गया है, इंक्लिनेशन
एक क्या है? एंगल है, एंगल किस में है? बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ आया बेटा ये? यस ये लिखो जरा बेटा, डेफिनेशन लिखिए जरा इंक्लिनेशन की। इंक्लिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। राइट बेटा? ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे कम, सबसे स्मॉल एंगल कौन सा ग्राफ बना रहा है? चलो मैं ए बी सी से मार्क कर रही हूं ताकि आपको बताने में इजी हो जाए। ए बी एंड सी, सबसे स्मॉल एंगल कौन सी लाइन बना रही है? ए बी और सी। ए ए स्मॉलेस्ट है ना, ये स्मॉलेस्ट एंगल बना रही है, स्मॉलेस्ट एंगल। उसके बाद उससे बड़ा एंगल और लार्जेस्ट एंगल कौन बना रहा है? लार्जेस्ट सी बना रहा है। सी क्या बना रहा है आपका? है ना, लार्जेस्ट एंगल बन रहा है। अब यहीं से बेटा हम धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे अपने आप को स्लोप के टॉपिक पे। इंक्लिनेशन समझ आया? अब बेटा यस जिसकी सबसे कम स्मॉलेस्ट एंगल मतलब लीस्ट इंक्लिनेशन, हम बोल सकते हैं इस चीज को, बोल सकते हैं। और जिसकी जितनी कम इंक्लिनेशन होगी उसकी स्लोप भी लीस्ट होगी। अब ये स्लोप क्या है ना मैम? पहले स्लोप तो बता दो, होता क्या? स्लोप इज आल्सो लीस्ट। ठीक है बेटा, समझ आई ये चीज? अब ये स्लोप क्या है बेटा? बेसिकली इस इंक्लिनेशन को ही हम स्लोप बोलते हैं। देखो इस लाइन की इंक्लिनेशन इतनी है, इसकी इंक्लिनेशन ज्यादा है, इसकी इंक्लिनेशन और ज्यादा है। कम इंक्लिनेशन मतलब स्लोप कम, ज्यादा इंक्लिनेशन मतलब स्लोप ज्यादा, और उससे ज्यादा इंक्लिनेशन मतलब स्लोप और भी ज्यादा। अब ये स्लोप का पर्पस क्या है? हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, हाउ विल यू फाइंड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, है ना? अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम हो और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऑब्जेक्ट इन दोनों में से फास्ट मूव कर रहा है, अब आप क्या करोगे? हम दोनों की इंक्लिनेशन देखेंगे। देखो इसका एंगल छोटा है, इसका एंगल बड़ा है, राइट बेटा? तो स्मॉल, इसका इंक्लिनेशन कम है तो इसके मतलब इसकी स्लोप कम होगी। स्लोप कम होने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है। स्लोप क्या है इसकी? लेस है। और ये कैसा चल रहा है? स्लो चल रहा है। आया बेटा समझ? स्लोप यस कम तो ऑब्जेक्ट स्लो स्लो चल रहा है। अगर स्लोप ज्यादा है, एंगल ज्यादा है, इंक्लिनेशन ज्यादा है, तो इट मींस वो ऑब्जेक्ट आपका फास्ट मूव कर रहा है। एम आई क्लियर? यस समझ आया? देखो हम मैथ्स को यूज करते करते कैसे यहाँ पर तक पहुंचे। हमने क्रैम नहीं करना बेटा, जैसे मैम ने बोला था फिजिक्स बहुत इजी है, उसको थोड़ा समझ के करोगे तो वो बहुत इजी है, बट अगर उसको रट्टा मारोगे कि ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, फिर उससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मेडिकल नॉन मेडिकल लेना चाह रहे होंगे, है ना? बट अगर आपको ये बेसिक आते होंगे ना प्लस वन में जाने से पहले, तो आपको मेडिकल नॉन मेडिकल में जो फिजिक्स पार्ट है वो बहुत इजी लगेगा। तो इसको ये मत सोचो कि ये यहाँ पे करके यही खत्म हो जाएगा। दीज थिंग्स विल कैरी फॉरवर्ड इन योर प्लस वन क्लास, राइट बेटा? ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ आया कि हमारे पास देखो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी थी, इसके कारण हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आती हैं। अब आपको क्वेश्चंस हमारे माइंड में कई बार करते हुए ये भी रहते हैं कि एक पॉइंट से दो लाइंस कैसे निकल रही हैं, है ना? तीन भी निकल सकती हैं, ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है। किसी एक सिंगल पॉइंट से हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, करते हैं ना हम?
है ना, तो ये वही चीज है बेटा। आई होप ये समझ आ गया सबको कि वेरिएशन ऑफ लाइंस का रीजन क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बच्चे, और जितनी या जो वेरिएशन आएगी हम उनका इंक्लिनेशन देखेंगे विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जिसका इंक्लिनेशन सबसे कम मतलब उसकी स्लोप भी कम, लेसर द इंक्लिनेशन लेसर विल बी द स्लोप, लीस्ट इंक्लिनेशन स्लोप विल ऑल्सो बी लीस्ट। मोर इंक्लिनेशन मीन्स स्लोप क्या हो जाएगी उसकी, हाँ जी बोलिए। अगर इंक्लिनेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा स्लोप, इट विल बी मोर हाँ लेस। अगर इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, थीटा बड़ा होगा, तो स्लोप क्या होगी उसकी, कम होगी या ज्यादा। तो जिसकी स्लोप ज्यादा होती है वो ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है, फास्ट। ठीक है बच्चे, कैसे मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, फास्ट मूव कर रहा है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया सबको। इंक्लिनेशन की डेफिनेशन लिख ली थी बेटा सबने, ओके दैट इज गुड। ठीक है बच्चे, अब हम स्लोप को थोड़ा सा और देखते हैं बेटा। अब जो स्लोप होती है ना बेटा, इट इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। स्लोप हमारे पास पॉजिटिव भी हो एक्सक्यूज सकती है। यस बेटा, मी मैम, आई हैव एन डाउट यस बच्चे पूछिए। मैम, अगर उसकी जो रीजन है वो डिफरेंट होगा तो क्या होगा? कैन यू रिपीट अगेन बच्चे। मैम, जो आपने अभी समझाया जो उसका ओरिजिन होगा अगर वो डिफरेंट हुआ तो फिर क्या होगा? बताती हूँ बेटा, करते हैं क्वेश्चन अभी, करते हैं ठीक है, अभी करवाती हूँ। नाउ स्लोप क्या होती है बेटा, थ्री टाइप्स की होती है। पॉजिटिव भी हो सकती है बेटा, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड इट कैन बी जीरो आल्सो, राइट बेटा। हाउ इट इज पॉसिबल नाउ, अभी हमने बोला जो इंक्लिनेशन होता है बेटा, व्हाट इज इंक्लिनेशन अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेरी गुड बेटा, इट मींस पढ़ रहे हो आप सब ध्यान से, वेरी गुड। ठीक है, अब पॉजिटिव स्लोप कब होगी, क्योंकि एंगल है, जब भी एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा। आपको पता है ना ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला है ना, 0 to 90 के बिटवीन की बात कर रही हूं मैं। एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट 90 की बात नहीं हो रही है, 0 to 90 के बीच में, मतलब 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक। ठीक है, तो उस वक्त जो स्लोप होगी बेटा दैट विल बी पॉजिटिव। और इस केस में जो ग्राफ बनता है बेटा वो कैसे बनेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है बच्चे, ये पढ़ते हो ना, ये देखो 90 डिग्री का एंगल तो यहां बन रहा है ना हमारा, इस तरीके से। तो ये जो थीटा बना मुझे मेरा 0 to 90, 90 से छोटा बन रहा है और 0 से बड़ा बनता है, तो इस केस में स्लोप रहेगी पॉजिटिव। अभी धीरे धीरे सब समझ आएगा, आगे एग्जाम्पल करेंगे ना, अगर हल्का फुल्का डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव कब होती है बेटा, जब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आप एंगल दोगे, जैसे कि ये चीज 90 to 180 का मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो 90 तो देखो यहां ओवर हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना 90 से पार्ट, हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जो पार्ट आ रहा है ये हमारा 90 से एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 90 से जब भी एंगल बड़ा हो जाएगा, थीटा जब भी 90 से बड़ा हो जाएगा, तो स्लोप बन जाएगी नेगेटिव, राइट बच्चा। तो अब ये जीरो कब होती है, जीरो कब होती है, जब एंगल हमारा एग्जैक्टली क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, और स्लोप नॉट डिफाइंड भी होती है बेटा, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं स्लोप को, कब, जब एंगल होगा प्रॉपर 90 डिग्री। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगी, ये ग्राफ में ही समझाऊंगी आपको। ये समझ आया बेटा 0 डिग्री का।
ठीक है, ये कैसे बनेगा? 0 डिग्री, जैसे कि सपोज करो ये आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और कोई भी लाइन आपकी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस वक्त हम बोलते हैं, देखो आपने मैथ से पढ़ रखा है कि देखो कितना मैथ यूज होता है आपका, फिजिक्स तो बिना मैथ्स के आपकी चल ही नहीं सकती है ना, कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आपने पढ़ा होता है क्या होता है, हमेशा अगर दो पैरेलल लाइंस में एंगल पूछा जाए तो कितना होता है? यस, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज बेटा ऑलवेज 0 डिग्री, ठीक है बच्चे, राइट? तो यहां पे ये देखो, ओके जी, तो यहाँ पे देखो जब ये जो ग्राफ की लाइन है और एक्स एक्सिस जो है दे आर पैरेलल, तो इस केस में जो हमारा थीटा बनेगा वो एंगल बनेगा 0 डिग्री, ठीक है बच्चे। और अगर मेरे पास एग्जैक्टली क्या हुआ, एग्जैक्टली एंगल कितना बन रहा हुआ, 90 डिग्री का, तो उस वक्त हमारी स्लोप हो जाती है नॉट डिफाइंड, ठीक है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे पास एक टर्म होती है मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इंफिनिटी, कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना बच्चा, ये डिफाइन नहीं होती, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये 0 लिखा है बेटा मैंने, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा केस बनता है, अभी आपके तो आप इसके बाद समझेंगे इस चीज को, ये ड्रॉ कर लो बेटा सभी, ये बना लो, हेल्प रहेगी आपको इससे। हाँ जी बेटा, हाँ जी बोलिए, मैम व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री? बेटा क्योंकि हमारे पास ना ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टैन थीटा वगैरह में चला जाएगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट चला जाएगा इसका, एक्चुअली टैन टैन होता है टेंजेंट, टेंजेंट 90 डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए डिफाइन नहीं करते इसको हम, ठीक है, या पढ़ोगे अभी 10th क्लास में आएगा आपके, इसीलिए मैंने, हाँ ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आती है उसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ऐसा कुछ होता है, तो टैन 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चे, यस मैम। ये कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी बच्चे, डन, चलें आगे, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं साथ साथ में, एक स्टूडेंट का जो डाउट था कि अगर 0 से स्टार्ट ना हो तो क्या करेंगे, है ना, वो भी क्वेश्चंस करते हैं, और साथ साथ में मुझे अब आप ये बताना कि कहाँ पॉजिटिव स्लोप है कहाँ नेगेटिव स्लोप है, एंड मस्ट यू मस्ट नोट डाउन दोज क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए जरा, Which part of the following graph, shows positive slope, negative slope and zero slope? ठीक है बच्चे, ड्रॉ दिस ग्राफ ऑल्सो, ठीक है बच्चा, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, ड्रॉ द ग्राफ, क्वेश्चन लिखो, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट,
पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ठीक एंड जीरो स्लोप। ठीक है बच्चे, डन बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट है सबका। मैम। अब देखिए बेटा, पॉजिटिव स्लोप कौन दिखाता है? जिसका एंगल 0 to 90 डिग्री के बीच में होगा, है ना बच्चे? 0 to 90 डिग्री के बीच में होगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं इस वाली लाइन को देखूं, इस वाली लाइन को, यहां पे एंगल बताइए मुझे कैसा बन रहा है? 90 से कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है? पॉजिटिव कम कम बन रहा है ना, छोटा बन रहा है 90 डिग्री से। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये कैसा एंगल बना रहा है? डिग्री। मोर देन 90। और ये जो लाइन BC है बेटा, ये वाली लाइन जो है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नॉट? इट इज पैरेलल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नॉट? लाइन BC बताइए। तो अब आप मुझे बता सकते हो पॉजिटिव स्लोप कौन दिखा रहा है, नेगेटिव स्लोप कौन दिखा रहा है, और जीरो स्लोप कौन दिखा रहा है? चलिए बताइए मुझे, आंसर लिख के दीजिए जल्दी से, फिर हम डिस्कस करते हैं। इसका आंसर, ये आंसर मैंने ठीक लिखा है कि गलत लिखा है? गलत रॉन्ग लिखा है। अच्छा, तो राइट क्या होगा? राइट आंसर कौन? जस्ट वन स्टूडेंट, कौन बताएगा मुझे? ये फर्स्ट बेंच पे जो सेकंड स्टूडेंट बैठा है, बिल्कुल फर्स्ट बेंच पे। हाँ जी, हाँ जी, आप। क्या होगा? एंगल सी। CD। एंगल नहीं है बेटा, दैट इज अ लाइन, दैट इज अ लाइन। ठीक है बेटा, CD। नेगेटिव स्लोप कौन दिखा रहे बेटा? साइड कौन दिखा रहे, रिपीट करो। लाइन साइड AB, वेरी गुड। एंड जीरो स्लोप कौन दिखा रहे बच्चे? BC, वेरी गुड। इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज BC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। राइट बेटा, समझ आ गया आई थिंक ये सबको। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा, यस। व्हाई वी आर नॉट राइटिंग एंगल सी? बिकॉज बेटा वो लाइन, क्योंकि जो एंगल हम यहां पर बना रहे हैं ना, वो एक लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में है ना बेटा, तो इसलिए हम एंगल सी नहीं लिख रहे। और यहाँ पे जो स्लोप दी जाती है, वो एक लाइन के बारे में बात होती है, एक पॉइंट के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्लोप, वी आर टॉकिंग अबाउट स्लोप फॉर अ लाइन, नॉट फॉर अ पॉइंट। ठीक है जी, इसीलिए हम लाइन की टर्म में आंसर देंगे। ठीक ओके मैम। है जी, हाँ जी। जिस स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा था ओरिजिन वाला, वहां पे भी हम पहुंच रहे हैं बेटा। एक दो क्वेश्चंस और देख लें उससे पहले, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपके पास। राइट डाउन द क्वेश्चन। विच ऑब्जेक्ट इज हैविंग, विच ऑब्जेक्ट इज हैविंग Which object is having? हैविंग लिख लिया मिनिमम एक्सलरेशन, मिनिमम एक्सलरेशन। ठीक है, आई एम ड्राइंग द प्लॉटिंग द ग्राफ बेटा। विच Gracias.
ठीक है बच्चे। बेटा ये ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा ना, ठीक है, ये आप ओरिजिन से ही मानकर चलना। यस मैम। हाँ जी, ए बी सी। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, अगर हमें एक्सलरेशन की बात कर की जा रही है, हाँ मैंने अब देखो इस क्वेश्चन में आपको लिखवाया है एक्सलरेशन, अगर मैं एक्सलरेशन की बात कर रही हूँ तो ये ग्राफ किन दो क्वांटिटीज के बीच में ड्रॉ होगा, किन दो क्वांटिटीज। देखो ग्राफ हमने स्टार्टिंग में समझा है कि ये वो दो क्वांटिटीज के बीच में ड्रॉ होता है, वो दो क्वांटिटीज कौन सी होने वाली है अगर मुझे इस क्वेश्चन में एक्सलरेशन के बारे में मेरे से बात की गई है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं क्या लूं और वाई एक्सिस पर क्या लूं। क्या यहाँ पे टाइम ले सकते हैं? ठीक है जी। और यहाँ क्या लूँ मैं, डिस्टेंस लूँ? वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी होती है ना बेटा, वेलोसिटी जब भी फाइंड करनी होती है तो हमारा जो ग्राफ होता है वो टाइम और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में होता है। ठीक है बच्चे। और जब भी मुझे एक्सलरेशन निकालनी है तो ग्राफ मेरा बनेगा टाइम एंड वेलोसिटी के बीच में। ये बेटा माइंड बहुत क्लियर करके चलना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज आ रहे हैं अब आजकल, तो उन एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इन पॉइंट्स पर ही क्वेश्चन मार्क लगाकर दे देंगे कि यहाँ पे बताओ क्या लिखा जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आया? अब मुझे बताओ, देखो अभी तक तो हम ये बता रहे थे कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा स्लो मूव कर रहा है बाय यूजिंग द एंगल। उसी एंगल को यूज करके ना बेटा, उसी स्लोप को यूज करके हम एक्सलरेशन भी बता सकते हैं। अब मुझे बताओगे सबसे मिनिमम एक्सलरेशन किसकी है? यस, सेम थिंग, लीस्ट इंक्लिनेशन लीस्ट एक्सलरेशन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ लीस्ट इंक्लिनेशन किसका है? हाँ जी, ए का। तो मिनिमम एक्सलरेशन किसकी रहेगी? मिनिमम एक्सलरेशन किसकी रहने वाली है? ए की। ठीक है बच्चे, रीजन लिखो जरा इसका, इसका रीजन लिखिए क्यों है ये। लीस्ट शाबाश, तो ए इज लीस्ट इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, लिखिए ए इज लीस्ट इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। एंड हेंस हैव मिनिमम स्लोप, मिनिमम एंड हेंस हैव मिनिमम स्लोप। ठीक है, देयर फोर ए हैज द लीस्ट एक्सलरेशन, ए हैज द लीस्ट एक्सलरेशन। ओके बच्चा, चलिए शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन बेटा वही है सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। ठीक है, हाँ विच ऑफ द, हाँ बस यही लिखना है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। हाँ
ठीक है बच्चे, ऑब्जेक्ट पी एंड ऑब्जेक्ट क्यू। अब हम क्या करें, अब तो दोनों ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, एक ओरिजिन से, एक कहीं से जा रहा है और एक कहीं से जा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फास्ट मूव कर रहा है? दोनों ओरिजिन से नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे। अब हम क्या करें भाई? हाँ जी बच्चे, अगर ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है तो हम उसको किससे पता लगा सकते हैं? बाय यूजिंग, अभी हमने समझा, बाय यूजिंग स्लोप। तो क्या हम इनकी स्लोप देख सकते हैं? देखो, जहां पर भी ये खत्म हो रहा है ना, वहां से एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लो। इसका एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो। अब मुझे ये बताओ कौन सा थीटा छोटा है, पी वाला थीटा छोटा है या क्यू वाला थीटे की वैल्यू छोटी है ना? ये देखो, देखने में पता लग रहा है ना, एंगल थोड़ा छोट स्मॉल है और ये एंगल थोड़ा ज्यादा है ना बच्चे? जैसे कि ये आपका होगा नियरली 30 डिग्री और ये नियरली बन रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो अब मुझे बताओ आउट ऑफ पी एंड क्यू विच इज मूविंग फास्टर? क्यू, वेरी गुड, क्यू इज मूविंग फास्टर। ठीक है बच्चे, क्यू इज मूविंग फास्टर। आपको समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, जिसकी स्लोप, देखो जिसकी वैल्यू कम होगी बेटा, ऑब्वियसली उसकी स्लोप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो फास्ट मूव करेगा। ठीक है, मोर वेलोसिटी, साथ में लिख लो, दो तीन टर्म्स सिनोनिमस की तरह आ जाती हैं, मोर वेलोसिटी। ठीक है, और क्या इसमें लिख सकते हो? मोर एंगल। ठीक है, और क्या इसमें लिखा जा सकता है? क्यू इज मूविंग फास्टर बिकॉज इट हैज मोर वेलोसिटी, मोर एंगल, मोर लार्जर स्लोप। ठीक है, और क्या इसके साथ एक टर्म लिखी जा सकती है? लार्जर एंगल, यहीं पे लिख लो इसके साथ, इंक्लिनेशन। ठीक है, यहीं पे लिख लो, एंगल को हम इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चा? हाँ जी बेटा, आपका डाउट क्लियर हुआ जिसने मुझसे पूछा था कि ओरिजिन से नहीं होगा तो क्या करेंगे? यस मैम। ओ, कोई और डाउट बच्चे अभी किसी का? यस, चलो यस मैम। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा देखते हैं उसको भी। उसमें कुछ पार्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे वैसे। एक ग्राफ और बनाते हैं हम, वही बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए सभी। ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताओ, काफी देर से मेरे क्लिक कर रहा है दिमाग में, हम टाइम को हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस क्यों ले रहे हैं? वी आर टेकिंग टाइम ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस, कभी हमने वाई एक्सिस पे टाइम ही नहीं रखा, वहां पे नहीं लिख रहे ना कभी भी। किसी को पता है इस चीज का रीजन? बहुत कॉमन सा रीजन है और आपने बहुत बार पढ़ भी रखा होगा। हाँ जी, कोई है क्लास में जो बता सके? अच्छा, बेटा देखो क्या चीज होता है, ये देख लो। टाइम हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस बिकॉज, देखो आपने क्लासेस में दो वेरिएबल्स पढ़े होंगे मैथ्स में, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा y इज इक्वल्स टू 5x+2। ठीक है बेटा, यहां पर जो मेरे y और x हैं, दीज आर वेरिएबल्स। देखो अगेन मैथ्स आ गया समझने के लिए चीजों को, है ना? अब यहां पर जो x है ना बेटा, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
इंडिपेंडेंट क्यों? हम तो एक्स की वैल्यू ही सपोज करते हैं ना, एक्स को 0 ले लो, एक्स को 1 ले लो, एक्स को 2 लो, एक्स को 3 लो, एक्स को -10 लो। एक्स की वैल्यू डालने से हमें वाई की कोई वैल्यू मिलती है, ऐसा ही होता है। तो वाई हमारा क्या बन गया बेटा? एक डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। क्या बना ये? जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेटा, वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा, आपने देखा ना, जब आप ड्रॉ करते हो आप इसी एक्सिस को एक्स एक्सिस मानते हो हमेशा, है ना? क्यों मानते हैं? अगर एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको अलोंग हम एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है? इसी तरीके से जो हमारा डिस्टेंस है या टाइम है, और सॉरी डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, वो किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे। हम यही बोलते हैं ना, कितनी देर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, बोलते हैं ना ऐसे। तो टाइम क्या है हमारा बेटा? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट है या फिर एक्सलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? तो डिस्टेंस जो हमारा होता है, ये क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? और जो टाइम होता है, ये हमारा होता है इंडिपेंडेंट। समझ आ रहा है बेटा? राइट, लिख लो ये क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई टाइम इज ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस? व्हाई टाइम इज ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस? व्हाइल प्लॉटिंग अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाइल प्लॉटिंग अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है? व्हाट विल बी द आंसर? लिखे, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर डिपेंडेंट वेरिएबल आर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चे? हाँ जी, ठीक है, यस ओके बेटा जी, समझ आ रहा है? अब ये एक क्वेश्चन कर लो, आपकी भी क्लास का टाइम हो रहा होगा, आई थिंक 40, 80 एंड 120, ये लिखो। ये 120 लिखा है बेटा, ठीक है?
क्लियर हुआ? मैंने आपका बहुत ज्यादा सिंपल वाला पार्ट नहीं उठाया कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करो, कांस्टेंट वेलोसिटी का ड्रॉ करो, क्योंकि मुझे था कि आपको बेसिक चीजें समझ आ जाएं कि होती क्यों है ये। ठीक है, अगर यस आपको नीड लगेगी तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट हम वो टॉपिक भी कवर कर लेंगे ग्राफ का। ठीक है बच्चे, ओके। मैम, ये ग्राफ बन गया सबका, तो आगे चलें। क्वेश्चन लिखिए जरा। फाइंड लास्ट, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द कार बी वॉज इन कार कार बी, कार बी ठीक है, वॉज इनिशियली अहेड ऑफ कार ए, इनिशियली अहेड ऑफ कार ए। हाँ जी बेटा, रिपीट कर दो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सॉरी फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द कार बी वॉज इनिशियली अहेड ऑफ कार ए। सॉरी डन, राइट डाउन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, द टाइम इन विच कार ए कैचिस कार ए कैचिस कार ए कैचिस कार बी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन अगेन द होल क्वेश्चन, सेकेंड सेकंड पार्ट. पार्ट। यस बेटा, द टाइम इन विच कार ए कैचेस कार बी। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ कार ए, व्हाट इज द स्लोप ऑफ कार ए। ठीक है, जस्ट आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की टर्म में आंसर देना है। ठीक है बच्चे, ठीक है। फोर्थ पार्ट, Which car is moving faster? Which car is moving faster? लिख लो बेटा, लिख लो। ओके बेटा, चलिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर कौन देगा बेटा मुझे? जस्ट रेज योर हैंड्स। द डिस्टेंस बाय विच द कार बी वॉज इनिशियली अहेड ऑफ कार ए, ये कितना आगे है बेटा? देखो ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं सब, ये 40 किलोमीटर और ये 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, कितना आगे है ये ओरिजिन? 40, 40, 40. कार ए तो अभी जीरो से स्टार्ट हुई है ना, और कार भी ऑलरेडी 40 किलोमीटर पर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर अहेड। ठीक है बच्चे, ये सेकेंड पार्ट, जस्ट रेज योर हैंड्स। द टाइम इन विच कार ए कैचेस कार बी, टू आवर्स,
2 सेकेंड्स यहाँ पे आर्स कर लीजिए बेटा, आर्स कर लीजिए, ठीक है, 2 आर्स में, राइट बच्चा? 2 सेकेंड में तो बेचारी 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कहाँ कवर करेगी, है ना? तो आर्स कर लीजिए। देखो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट हो रही है ना बेटा, जिनको नहीं समझ आया, जहां पर भी ये कार का दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहा है, मतलब कि वहीं पर एक दूसरे को वो ओवरटेक कर रही है, ठीक है बच्चे? एक कार आगे और एक पीछे रह गई। नाउ थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इज कंप्लीटली योर्स, ये अभी अभी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। मुझे ये बताइए कि कार ए की स्लोप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट रीजन क्या? हाँ जी, क्या है स्लोप? पॉजिटिव, ओके, वेरी गुड। और कार बी की स्लोप क्या रहेगी? पॉजिटिव, वेरी गुड। किसी की नेगेटिव स्लोप नहीं है क्या ए और बी में से? अच्छा मैम, किसी को प्लीज आप एक बार खड़ा करेंगे, जस्ट एनी स्टूडेंट, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, रैंडमली कोई भी एक स्टूडेंट। बच्चे हाँ जी, स्लोप ओके बेटा, टेल मी व्हेन द स्लोप इज नेगेटिव। अबव 90, किसने दिया ये आंसर? आपने दिया है? थोड़ा सा बच्चा माइक के पास आ जाओ, थोड़ा सा माइक के पास आके बोलो, व्हेन द स्लोप इज नेगेटिव। मैम अगर 90 डिग्री से पीछे हो तो 90 डिग्री से नाइन्टी डिग्री से ऊपर होगी, मतलब स्लोप नेगेटिव कब होती है? अगर एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है? कोई ऐसा एंगल, हाँ जी बेटा बैठ जाइए। एनीवन एल्स, जस्ट रेज योर हैंड, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगी, पहले आप बताइए कौन कौन आंसर कर सकते हैं। टीचर मैम प्लीज आप एक कोई और स्टूडेंट को सिलेक्ट कर दीजिए एक बार। क्या कुछ ओके यस बेटा, टेल मी, कोई ऐसा एंगल जहां पर स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते, जहां पे स्लोप की कोई वैल्यू नहीं होती। शाबाश, एट 90 डिग्री वेरी गुड, सिट डाउन, वेरी गुड, ठीक है जी। चलो, ये इसका एक फोर्थ पार्ट रह गया अभी हमारे क्वेश्चन का, विच कार इज मूविंग फास्टर, ए और बी? ए। ए। हाँ जी बेटा, क्या आप रीजन दे सकते हो, जो माइक के पास खड़ा है स्टूडेंट? ए कार स्लोप बिकॉज़ स्लोप इज हाईएस्ट। इज हायर, ओके, ठीक है बेटा, स्लोप हायर है। देखो बेटा, अब ए का एंगल कहाँ पे है? ये वाला, ठीक है, मैंने आपको बताया जहां पे लाइन एंड हो रही है वहां से अपनी तरफ से एक एक्सिस बना लो, और ये थीटा देख लो, कौन सा थीटा ज्यादा है, उसी की स्लोप ज्यादा होगी और उसी का उसी उस लाइन की, उस कार की स्पीड भी ज्यादा रहेगी, ठीक है बच्चे? वेरी गुड, आई होप ये सबको क्लियर हो चुकी है चीजें, आंसर्स तो मुझे अच्छे पॉजिटिव में मिल गए हैं। आप में से अब किसी को कोई डाउट पूछना है बच्चा, यू कैन आस्क, कोई स्लोप से रिलेटेड, कोई, स्टार्टिंग में हमने ग्राफ पढ़ा, ठीक है, हमने ग्राफ पढ़ा स्टार्टिंग में, ठीक है, यहां से वो एक मिस हो गया शायद। हाँ जी, ग्राफ ये हमने देखा था, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज और मेजरमेंट, ये सब हमने देखा कि वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, हाउ प्रोपोर्शन इज यूज्ड इन फिजिक्स, ये भी हमने देखा,
कि प्रोपोर्शन से ही कॉन्स्टेंट्स निकलते हैं और कॉन्स्टेंट से ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइंस आती हैं, है ना बच्चा? ये सब, ये जो हमने 3 लाइंस ड्रॉ की थी उन्हीं कांस्टेंट वैल्यू के डिफरेंट होने से हमने की थी, ठीक है बच्चे? तो फिर हमने स्लोप देखा, इसी से हमने स्लोप को समझा, एंड फिर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जीरो स्लोप, डिफरेंट टाइप की हमने स्लोप्स देखी, और उसके बाद हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। अब इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो। नथिंग, चलो चलिए ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अपने डाउट्स लेकर आना, प्रैक्टिस कर लेना बच्चे टॉपिक की, ठीक है? कुछ भी हुआ नेक्स्ट क्लास में हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट बच्चा? ओके बच्चे, बाय।